हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट इज डीपर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं लॉगिन सिस्टम एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम पीएचपी का यूज करते हुए, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इस तरह का एक फॉर्म बनाया था। तो सबसे पहले हम जो ये टीडी हमने ले रखे हैं, देखिए इसकी विड्थ छोटी है, तो ये एक दो लाइन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे टीडी की विड्थ बढ़ा लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ कोड पर। तो इसकी जो विड्थ है हम ये 200 पिक्सल कर देते हैं और सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे सही हो चुके हैं। देन इसके बाद हम अगला काम ही करेंगे कि यहाँ पर हम एक H1 टैग लेंगे, H2 टैग ले लेते हैं हम, और इसे मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन अप। देन यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये जैसा हो चुका है। अगला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बटन बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप सबमिट, देन नेम सब, देन प्लेस होल्डर, इसके हम वैल्यू दे देते हैं साइन अप। इसे ही मैं कॉपी करता हूँ। अगर आप टूल टिप देना चाहते हैं तो आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ये दूसरे वाले बताता हूँ रिसेट वाले में। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हम देते हैं रिसेट बटन बनाएंगे। मैं लिखता हूँ रिसेट, देन इसका हम नाम देते हैं RES। देन यहाँ पर लिख देते हैं रिसेट, देन टाइटल दे देते हैं रिसेट। तो ये हमारा रिसेट बटन बन चुका है। हम रिफ्रेश करके देखेंगे, तो ये देखिए हमारा बटन बन चुका है। देन इसके बाद हम अगला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक एंकर टैग लेंगे जिससे हम लॉगिन पेज पे जाने की लिंक बनाएंगे। तो यहाँ दे देते हैं हम लॉगिन डॉट PHP। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लॉगिन। तो यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इस प्रकार चुका है। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें नए पेज पे ले जाता है। तो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और इस पेज को हम सेव एज करेंगे। हम इसे सेव एज करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो ये देखिए सेव एज हो चुका है। और जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये पेज आ चुका है। अब हम इस पेज पे थोड़ा सा एंटर करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि साइनअप को लॉगिन में लिखेंगे। साइनअप की जगह हम लिख देंगे लॉगिन। देन यहाँ पर हम लिख देंगे, हम पहले वाले को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें पहले वाले का यूज़ नहीं है। तो हम इस टीडी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। टी में इंटर पासवर्ड की ज़रूरत है, हमें री इंटर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो हम री पासवर्ड को भी रिमूव कर देते हैं। हमारे तो हो चुका है और रिफ्रेश करते हैं तो हमारे को टी हो चुकी है। हम यहाँ पर एक BR लगाएंगे, ये BR, और सेव किया, रिफ्रेश किया और VR लगा देते हैं कुछ, तो दूरी बन जाएगी VR। रिफ्रेश किया तो ये लॉगिन हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू बन चुके हैं। तो ये हम यहाँ पर लॉगिन की जगह हम दे देते हैं s1.php। यहाँ पर हम दे देते हैं साइन अप SI। और यहाँ पर ले देते हैं s1.php और रिफ्रेश करेंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे साइन अप पे आ जाते हैं और यहाँ क्लिक करने पर हमारे लॉगिन पर जा पाना है। तो ये हमारी लिंकिंग बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो हम डेटाबेस बनाएंगे और इसके लिए हम PHP की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है engineersworld.in, जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों के वीडियो ट्यूटोरियल और नोट्स हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो आप उस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। आपको उस वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन प्रोजेक्टों के सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद इसके सोर्स कोड भी वहाँ अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर होटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के सोर्स कोड वहाँ पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।